अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई जिंदगी टीवी। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। नुमाइंदा नई जिंदगी टीवी मोहम्मद इलनास भट्ट के मुताबिक चेक नंबर 440 फैजपुर के वाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का एन ए 98 उम्मीदवार हल्का पीपी 104 राणा मोहम्मद फारूक सैयद खान की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर फैजपुर की तमाम बरादरियों के मौजूदगी मौजूद थे और इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर राणा मोहम्मद फारूक सैयद खान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों की जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में आकर पाकिस्तान और किसान को खुशहाल बनाएगी और किसानों के मसाइल हल करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर की अवलिन तरजीह है। 16 महीने साढ़े भी रहे इन्होंने लाल वो भी देखो इन्होंने लोगों को बेदर्दी नाल सेवा किया और सारे जेड़ा भी आया हूँ जेड़ा कहता ना मैं तकदीर बदल देंगा यही वजीर खजाना आएगा जेड़ा मुल्क का जो दिवालिया कट के गया टाइम नहीं वरना मैं बहुत कुछ दसदा ये मुल्क 1977 दे विच अमीर तरीन मुल्क सी मार्शला ला के इस मुल्क दी सारिया मिलां बेच के खा गया नवाज शरीफ ते गुरबत फिर भी खत्म ना हुई ते पैसे तो अति तरसते फिर दे ए डालर दे नाल कारोबार शुरू किया तो इन्हें 90 च किया असी नहीं किया ये सारा गंद बला जो किया है इस मुल्क की तबाही नवाज शरीफ और नाल ओदे साग डार है दोने कुड़ियां वटाइया ने इस करके पीपल्स पार्टी जिहड़ी है तुहाडी जिम्मेदारां दी जमात है तुहाडे नाल खलोएगी और इंशाअल्लाह ताला फजले खुदा असी तुहाडी खिदमत करांगे जिस तरह असी पहले की अज 4 साल तो जो DAP की लड़ है लभदी जो यूरिया की लड़ है नहीं लभदी साढ़े दौर जिन्होंने किया एक महीने ची सफाया करके रखता से सारे डाकू कट्ठे हुए ने जिन्हें डीलर ने सारे बेईमानियां कर रहे हैं इन्होंने को पहिया ने खादा लोगों दे नहीं रही ये सारे चोर रले हुए हैं।